ज़ूम करो मेरा स्क्रैचिंग हो रही है गुड मॉर्निंग। सो भाई अभी हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज की शुरुआत हुई है हमारे राजमा चावल के साथ। बिकॉज भाई रात में मैंने खाई नहीं, रात में राजमा चावल बने थे तो रात में खाई नहीं, भूख भी लगी नहीं थी तो रात में मैंने वो ही खाया था बस। भाई आके जिम से आके वो शेक पिया था और पनीर खाया था, उसके अंदर बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो सुबह उठा भी ब्रेकफास्ट में कुछ खाने से मैं राजमा चावल खा रहा हूँ, ये खाते हैं। उसके बाद भाई आज जाना है मेरे डीन मैम के पास, मैम के साइन करवाने हैं वो बस पास के लिए, तो बस पास बनवाने के लिए मैम के साइन होना ज़रूरी है, साइन करवाते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बस पास में कल मनाऊँ क्योंकि मेरा हमारे कॉलेज का एक दिन वीकली ऑफ रहता है, तो हमारा वीकली ऑफ कल है थर्सडे को। वैसे सैटरडे को होता है कोई भी बंदे का, बट हमारा थर्सडे को है, तो थर्सडे को है तो मेरे कल छुट्टी है, तो आज साइन करवा के कल मैं बस पास मनवा लूँगा। भाई करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और चलते हैं कॉलेज और दिखाते हैं आपको भी कैसे जाएगा आज का दिन। अभी जा रहे हैं हम फॉर्म लेने और वही बस पास का जो फॉर्म था उस बस पास बनवाना है, इसके लिए फॉर्म भी चाहिए होता तो फॉर्म लेने जा रहा हूँ। तो कल आऊँगा बस पास बनवाने की, फॉर्म वगैरह फिल करना है, साइन करवाना है, तो अभी हो नहीं पाएगा, तीन मैम भी नहीं है तो अभी कल करवाएंगे। कल आते हैं कॉलेज, वैसे कल कॉलेज की छुट्टी है तो आके साइन करवा के कल ही बस पास बनवा लूँगा। तो जो भी स्कूटी बड़ी सेक्सी एकदम से भाग के देखना, मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है भाई बहुत। भाई फॉर्म तो ले लिया पर भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार, मैं तो अपना कल सोच रहा कल आऊँगा, इतनी भीड़ हुई, ऊपर से इतनी गर्मी है, कैसे खड़ा होऊंगा। मेरे हिसाब से आधा आधा घंटा तो नहीं, मतलब एक डेढ़ घंटा आराम से लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे यार। चलो देखते हैं कल की, कर देखते हैं शायद कल कम भीड़ हो, बाकी पता नहीं। अभी चलते हैं दोस्तों के पास, देखते हैं कि चलते खाने पीने या फिर बैठते हैं बातें बूते करते हैं। भाई स्कूटी को चलाने का फील तो है यार, मेरा मन कर गया, मैं बोलता हूँ वापस से लेने के लिए, बहुत क्या सही भाग रही यार, इतनी स्मूथ स्कूटी है भाई, मज़ा आ गया चलाने में। मैं दोस्तों से मिलने गया, मतलब दोस्त ही वहाँ नहीं है, वो कहीं और चले गए, मतलब चल के खाने पीने गए हैं, तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं लोकेशन भेज दी हमने, अभी वहाँ चलते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं फिर वहाँ पर। मेरे को आवाज़ भी लगाई थी पर मुझे लगा पता नहीं कोई और होगा, मैंने देखा भी मुझे वो दिखे नहीं, मुझे लगा कोई और होगा, इसलिए मैं आगे चले गया। फिर पीछे तो आगे थे, आगे थे नहीं, तो मैंने फ़ोन किया तो वो अरे हम भी तुझे आवाज़ लगाई थी, अच्छा अच्छा, फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने लोकेशन भेजी, अभी चलते हैं मुझे वहाँ। भाई कहाँ चले गए, गलियों गलियों में घुसा दिया हमने, तो पता नहीं मैप भेजे उसके उससे आ रहा हूँ, बट पता नहीं कहाँ चले गए, तो अरे पास में अभी डेढ़ दो किलोमीटर दूर दिखा रहे, चलते हैं यार डायरेक्ट वहीं भी मिलते हैं आपसे। पीछे से भैया मार लो भाई, ये सीखा गाजियाबाद जाके, ओए गाजियाबाद तू भी बदनाम कर रहा है बेचारा, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी लगी है आप भाई, क्या हो गया भाई गर्म हो रहे हैं, हम भी थोड़ा कर लेंगे। ओए लड़के लड़कियां नहीं होती जिम वाली बैच से उठा देती है। ज़ूम करो मेरा स्क्रैचिंग हो रही है, मेरा स्क्रैचिंग हो रही है, मेरा स्क्रैचिंग हो रही है। अब तो चल सारे जब माइक स्कूटी पे गिरता था, ये देखो इस गवार को यार, और चटनी ले लेंगे, मैं तो घर हूं, बोलो बंदे की आशिकी नहीं खत्म हो रही, बिजी भाई, खा ले हुए बिजनेसमैन। सो भाई फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और भाई आ जाता हूँ क्या हुआ सीन, मैं सागरपुर से बस पकड़ी थी डाबरी तक की, डाबरी पे उतरा, सो मुझे डाबरी पे उतरा, मुझे एक बस मिली 7:41 वो जा रही थी वो मंगलापुरी, वो थी ब्लू वाली बस, तो मतलब एसी वाली बस थी, मैं चल ठीक है एसी वाली बस मिलेगी, गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे एसी वाले उसमें बैठा, एसी वाले बस में बैठा, तो वहाँ से जब एक लड़का उतरा था उसने ले रखी थी, मतलब कहीं दूर से था, उसने 2500 रुपये की टिकट ले रखी थी डायरेक्ट मंगलापुरी की, उतरा उसने मेरी टिकट पकड़ा दी, मुझे लगा भाई ऐसे टिकट है, मतलब ऐसी मजाक में पकड़ाई हुई कि मैं तो ऐसे ले ली। अंदर गया मैंने देखा और
कि भाई बस का नंबर भी यही है और टाइम भी है, ये डेट भी वही है, और ऊपर से थी मंगलापुरी तक की। मैं चलिए भाई फ़ायदा हो गया मुझे, मतलब फ्री में आया उसमें। तो भाई बहुत बढ़िया दिन गया आज का। और भाई मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई, एथर, एथर करके कोई स्कूटी थी दोस्त की थी भाई, एकदम पिकअप, इतना तेज़ भागती है ना, मतलब मज़ा आ गया था चलाने में, इतनी स्मूथ, इतनी स्मूथ, मतलब ऐसे हल्की से रेस छोड़नी, इतनी तेज़ भागती। मैं 80 तक ले गया था, पता भी नहीं चला भाई कितनी देर में चली गई भाई, इतनी जल्दी भागी, इतनी मज़ा आया चला के। वो गया, उसके बाद हम खाने पीने गए, थोड़ा मोमोज वगैरह खाने गए, उसने पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से था पास में, पर गूगल मैप के सहारे गया, तो मैं पता नहीं कहाँ गलियों गलियों से लेके चले गया था। तो भाई गया, खाया पिया और मोमोज खाए हमने वहाँ जाके, फिर आए क्लास लिए, फिर अभी सीधे घर ही आया हूँ मैं, बस से घर आ गया था। तो भाई चलते हैं अभी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ आधा एक घंटा, क्योंकि मैं जिम जाऊँगा 7 बजे, 7 बजे नहीं, हाँ 6:30-7 बजे तक जाऊँगा जिम। क्या बदतमीज, आ रहा हूँ लेके, पापा कब आएंगे? आएंगे तो क्या यार, तुम खा पी के यहाँ पे घंटा भी रख देते हो, पूरे घर का कबाड़ा बना के रखा हो तुम लोगों ने। तो मैंने क्या किया? तो क्या बोलेगा कि क्या कर रहे हो? मैंने तो नहीं किया, मैं तो खाया था, मैं तो सोने लगा था, फिर यार नींद ही नहीं पड़ी, आ गई पागल। देखो ना क्या गंदे, केला खा दिया, ये चाय पी दिया, बिस्किट यहाँ पे, इसको तो चाय बनाने के लिए बोला, फॉर्मेलिटी करके चाय बना के चलेगी, पानी 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 सा। देखो ना, हाँ तो रख दूंगा ना, अभी तो मैं लेटा हुआ हूँ। लेटा हूँ तो क्या मतलब है ना? ये दो, फिर मैं भी आया, काली पैंट काली से तो वैसे लग रहा, नील नील डाला हुआ है इसमें, इसमें यहाँ क्यों रख दी बीच बीच में, साइड में करेंगे सबको, बीच में क्यों रखी? पापा ने उस धोई थी ना, क्या धोए? अच्छा गर्मी तो बहुत है, ये वाली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो सही लग रहा है, भरा भरा यहाँ पे पूरा भर गया है, बस ये रह गई ये चीज़ ना थोड़ी सी, बाकी उस साइड वो सामने पूरा ठीक हो गया, एंड ये भी पूरा अच्छा हो गया, इस साइड भी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, उसके बाद एकदम बढ़िया लग गया, ग्रीन ग्रीन तो मैं बढ़िया लगता है ऐसे ना, ग्रीन ग्रीन वो फ्लावर्स हो, मतलब हरा भरा रहे, बढ़िया लगता है मुझे। अभी ऊपर आया था थोड़ा सेट करने, एक्चुअली पापा ने छत धोई थी तो गमले इधर उधर हो रखे थे, उसको सेट कराया मैंने, और भाई मुझे लगता रहा ना कि किसी और का वो है, अरे यार खुल क्यों नहीं रही हमारी, किसी और की पैंट है उससे कलर निकलता है, क्योंकि हमारी 2-3 टी शर्ट है वाइट और येलो टाइप की, वो पूरी नीली नीली हो चुकी है, मुझको लगा पहले किसी और की पैंट धोई क्या होगा उसका नीला कलर निकलता होगा, पर ये ब्लैक वाली धोई से भाई पर्पल कलर एक्सपेक्टेड नहीं था पर निकल चुका है। और फिलहाल उसको अलग से धोया और उससे अलग से, मतलब पैंट को का पैंट नहीं कार्गो, कार्गो अलग से धोया और बाकी कपड़े अलग से धोए। अभी ऊपर आया था पापा के लिए वो लेनी थी बीच, क्या नाम है, लोअर लेना था, तो पापा भी आने वाले, पापा लेट हो गए तो ऑफिस सुबह शायद लेट गए थे इसलिए आज लेट हो गया। आज मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि यार मन नहीं कर रहा, थक गया था, एक तो पैदल जाने का मन नहीं करता जब से कॉलेज से आता हूँ, तो एकदम थक जाता हूँ, पैदल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं आज गया नहीं। कल चलते हैं, कल छुट्टी है, और कल छुट्टी है, कल पास भी बनवा लूँगा और जिम भी जाया आऊँगा, और देखते हैं शायद कल दो बॉडी पार्ट करूँ क्योंकि कल छुट्टी है, कल थकूँगा तो हो ही नहीं। फिलहाल चलते हैं ऊपर, यार पसीना पसीना हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चलते हैं फ्लोर लेकर नीचे। अभी थोड़े से चावल और ये आटा वगैरह बच गया था, तो ऊपर आया था चिड़िया वगैरह डालने के लिए, इसको डालते हैं और भाई बाहर सामने का व्यू इन्जॉय करते हैं, बहुत सेक्सी व्यू रुका है। कैमरे में इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि भाई कैमरा कैमरा उधर नेकेड आइज होती हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं ये सारे जो लाइट 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 से चीज़ लग रही हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट है, IGI और वो डोमेस्टिक वगैरह, मतलब IGI एयरपोर्ट है पूरा भाई, देखने मज़ा आते हैं, फ्लाइट्स वगैरह उठती हैं जाती हैं लैंड होती है, व्यू तो अच्छा है यार यहाँ का।